वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस जोवियल लाइव प्लेटफॉर्म। आज हम दोनों लोग फिर से आपके साथ में हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बात हुई थी कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में, और आपसे पूछा गया था कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं जो कि डेली लाइफ में आपको परेशान करते हैं और आपको लगता है कि काश हमारे पास सॉल्यूशन हो, तो इसके बारे में लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए थे। तो आज उन्हीं प्रश्नों के साथ हम हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा नाम मत बोलिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोग वहां पर अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम आपके सामने क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देंगे, और हम किसी की प्राइवेसी का बेहद ख्याल रखते हैं, तो किसी का नाम नहीं बताने वाले हैं। तो इसलिए आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में, और अगर आपकी भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें हमारे जोवियल लाइफ फेसबुक पेज पर अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो सर आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोगों ने क्या कैसे पूछा है। बिल्कुल बताइए। तो सर यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा कि नमस्कार सर, मैं एक गृहिणी महिला हूँ, मैं अपने पति के साथ मेट्रो सिटी में रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब वह ऑफिस से घर आते हैं तो उनका गुस्सा बहुत तेज होता है, और उस समय मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे हैंडल करूं। ये क्वेश्चन किसी ने सेंड किया है, तो क्या तो उन्हें करना चाहिए? शैलेन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जिन्होंने भी ये प्रश्न भेजा है, अगर वो सामने हैं या जब भी उनको मौका लगेगा वो देखेंगे, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड किस परिस्थिति में रहते हैं। अगर वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो उस ऑफिस का वातावरण क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा हो, उनका मैनेजमेंट उनसे बहुत खुश ना रहता हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे मनोविज्ञान में एक शब्द है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंग्जाइटी, कि जो चीज़ जहाँ निकलनी चाहिए वहाँ नहीं निकलती है। अब जैसे मान लीजिए बॉस ने कुछ कह दिया, मैनेजमेंट वालों ने कुछ कह दिया, या किसी अपने सीनियर ने कुछ कह दिया और आपको बड़ा खल गया, आप वहाँ तो नहीं बोल पा रहे। आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि आप वहाँ पर बोल के अपनी बेइज्जती ज़्यादा नहीं कराओगे, आप बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन जो चीज़ मन के अंदर आ गई है, जो चीज़ मन के अंदर घुस गई है, वो आपको अंदर अंदर, देखिए ये एक तरीके से ईगो डिफेंस है। आपका ईगो आपकी पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। या तो आप इसको ये मान के चलिए कि आपका जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके शरीर के अंदर का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका ईगो है, और आपका ईगो हर्ट हुआ, आपके हस्बैंड के बॉस ने कुछ कह दिया, फ्रेंड सर्किल ने कुछ कह दिया, सीनियर्स ने कुछ कह दिया, आप वहाँ जवाब नहीं दे पाए। जवाब आपको देने का मन कर रहा था लेकिन नहीं दे पाए, ईगो डिफेंस आपने अपना लिया। ईगो डिफेंस में क्या होता है कि फिर वो बात मन में रहती है लेकिन वहाँ नहीं निकलते, कहीं और निकलती है, तो पत्नी पर निकल दिया। और प्रायः यही हो रहा है, इसीलिए पत्नी को, तो ये पत्नी को समझना चाहिए। तो पत्नी को ये कन्विंस करना होगा कि आप उसके सिचुएशन को देखिए कि उसका वातावरण कैसा है, कहीं वहाँ डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कहीं उसके फ्रेंड सर्किल में डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो वाइफ का भी रोल है, अगर वो समझदार है, कि वो उनकी मदद करे, उस वातावरण को समझे, उनके हाथ मजबूत करे, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और पत्नी का भी सहयोग मिल सके। तब वो निश्चित रूप से पॉजिटिव सोचेंगे और उनकी लाइफ में चेंज आएगा। मैं समझता हूँ आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये भी जो भी ईगो डिफेंस में होता है ये नेचुरल है, ये तो होना ही है, ये सप्रेस नहीं हो सकता है, किसी न किसी फॉर्म में कहीं न कहीं निकलता है। तो जैसे जो भी वाइफ है घर में, उसको ये समझना चाहिए कि अगर जो भी उनके हस्बैंड ने जब घर पर आए हुए हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, है ना, ये एक्सेप्टेंस है। अगर आप सर्टेन टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कुछ कह भी देते हैं तो कुछ सुन लेते हैं, तो हो सकता है कि आगे चीजें ठीक हो जाए। नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात उठाई गई है। हाँ, कि देखिए अब आप ये सोचेंगे कि लो ये केवल औरत का ही काम है क्या कि वो सुनती रहे जिंदगी भर, नहीं ऐसी आपको बात नहीं है। एक थेरेपिस्ट बनना है आपको, उस वक्त उसकी बात को स्वीकार करना है, फिर खोज करनी है। पहले बीमारी पकड़िए, बीमारी का उसके कारण पकड़िए, और जब कारण आप खुद पता लगा लेंगी तो धीमे धीमे, मुझे पूरा विश्वास है कि धीमे धीमे वो निश्चित रूप से
उस सिचुएशन में डाउनफॉल आएगा और आपका हस्बैंड निश्चित पॉजिटिव सोचेंगे और निश्चित तो अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे, जिसका मुख्य भूमिका जिसमें आप ही की होगी, इसलिए आप कुछ दिन बर्दाश्त भी कर लीजिए और उनको चेंज करने का पूरा प्रयास करिए सिचुएशन देख करके। बर्दाश्त करने का मतलब है कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, मतलब उनको नहीं, उनको हमने आपको बताया ना कि आप थेरेपिस्ट हैं, आप उनका एक तरीके से उनको परामर्श दे रही हैं, उनको सलाह दे रही हैं, उनको आप रास्ते पे ला रही हैं, ये आपका काम है। तो आपका भी एक अच्छा रोल है, नेगेटिव मत होइएगा, बिल्कुल नेगेटिव आप नए सिरे से आप अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित ही चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात है, इसलिए आपको ही मेन रोल करना पड़ेगा इसमें। आप देखिए, आप निश्चित रूप सफल हो जाएंगे, सिचुएशन देखिए। ओके सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेज पर कमेंट में बताया गया था। इसमें कहा गया है कि मनुष्य संसार का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी मनुष्य ही संसार में सबसे अधिक चिंतित और परेशान प्राणी है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात तो सबसे जाहिर बात है, सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहेगा तो अपना एक लक्ष्य बनाएगा, अपनी आवश्यकताएं पूरी करेगा, अपने कार्य करेगा, अपने जिंदगी के ध्येय बनाएगा, तो बिना चिंता किए, बिना तनाव पाले वो आगे बढ़ नहीं सकता। आप एक टारगेट पूरा करेंगे और उसके बाद जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा, दूसरा टारगेट पूरा हो जाएगा। आपने मकान बनवा लिया, मकान की व्यवस्था हो गई, उसके बाद अब मकान के लिए कर्जा लिया तो कर्जा कैसे पटे इसकी व्यवस्था शुरू हो गई, कर्जा पट गया तो अब लड़का बड़ा हो रहा है उसकी समस्या शुरू हो गई। तो आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन आप तनाव से और चिंता से छुटकारा नहीं ले पाएंगे। लेकिन बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद अगर आप अपने को समझते हुए चलें कि हमारा सामर्थ्य कितना है, हम इस लेवल के बाद परेशान हो सकते हैं, इसलिए हमें ये काम करना है कि हमें नहीं करना है, क्या रिस्क टेकिंग बिहेवियर आप में है, रिस्क टेक करने में आपको परेशानी नहीं होती है, आप रिस्क ले लेते हैं, अगर इस तरह का व्यवहार आपके साथ है तो फिर आप आगे बढ़ते चलिए, वरना जो परिस्थिति मिलती है उसमें आप अपने को एडजस्ट कर लीजिए। आप ज़्यादा हाई लेवल का टारगेट मत बनाइए और ज़्यादा आप कंपटीशन के लेवल पे मत जाइए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। आप अपने को पहचानिए और आगे बढ़िए। यस सर, देखिए आपने जो आपने बात कही है ना कि आप ज़्यादा चीज़ों को मत बढ़ाइए फैलाइए, यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप अपने आप को सिकोड़ के रखें, कॉन्ट्रैक्ट करें, ये बात नहीं है। बात यह है कि आपको खुद को समझना होगा कि आप कितना ज़्यादा किसी रिस्क फैक्टर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बात देखिए मैंने पहले भी बताई थी कि आप पहले अपने को पहचानिए, पहले आप हैं क्या, आप बुद्धिमान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे। पहले आप ये भी तो सोचो, आप क्योंकि अपेक्षाएं, देखिए आगे आप अपेक्षाएं आगे आप ज्यादा रखेंगे तो आपको परेशानी बहुत होगी। अपेक्षाएं आप कम कर दीजिए, रियलिटी बेस पर, बिल्कुल आप बिल्कुल वास्तविकता पे विश्वास करिए। आप कल्पनाओं पर और ज्यादा उम्मीदों पे मत जाइए, जितनी आपकी क्षमता उसके अनुसार काम करिए, आपको टेंशन बहुत कम होगा। आप क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए लाइफ स्किल्स का यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी ने ये क्वेश्चन पूछा था और इन्होंने कहा था कि चिंतित और परेशान प्राणी है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि चिंता होना, जैसे हम एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी इज गुड फॉर लाइफ, बिकॉज एंजाइटी, चिंता तो करना जरूरी है, चिंता ही के साथ तनाव आएगा, क्योंकि चिंता ही है, तनाव के जीवन नहीं चलेगा। यस, चिंता ही है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। सोचिए, अगर आज आपको खाना खाने की चिंता नहीं होगी तो क्या आप खाने जुटाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो सर्टेन लेवल तक एक वो आपको रास्ता दिखाती है, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपको कहानी समझना है कि ये कहीं कंट्रोल तो नहीं हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रही है, आपको परेशानी पैदा कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ऐसे ही एक नया क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और मैं पढ़ने भी बैठता हूं, लेकिन जब पढ़ना शुरू करता हूं तो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं और फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये जो क्वेश्चन किया है, ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विद्यार्थी हैं, उनके क्वेश्चन से लग रहा है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी हैं तो यूथ होंगे या किशोर होंगे निश्चित रूप से। तो देखिए, अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई बिना कंसंट्रेशन के नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आप अपने को जब तक तन्मय नहीं करेंगे, एकाग्रचित्त नहीं करेंगे, देखिए उसके लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। आप कभी कभी क्या होता है कि आप ड्राई एटमॉस्फेयर में जाके बैठ जाते हो तो आपको परेशानी पैदा होती है। आप पहले पढ़ाई का माहौल बनाइए,
आप अब आप सोचो कि साहब पढ़ाई का माहौल क्या बना लें, हमारे तो दो कमरे हैं हमारे मकान में, हम एक कमरे में पढ़ते हैं, हम कौन सा माहौल बना लें। समस्या आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको वातावरण बनाने का मौका मिल सकता है। आप सोचिए मिलेगा, आप हल्की सी म्यूजिक बजा लीजिए, आप हल्का सा कोई अगरबत्ती या सेंट छिड़क लीजिए, आप एक वातावरण बनाइए जो आपको खुशनुमा वातावरण दे दे। निश्चित रूप से अगर वो चीज़ हावी होगी, यानी कि वो परिवर्तन जो आपने किया है अगर वो भारी पड़ रहा है, यानी खुशबू आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको म्यूजिक हल्का सा बज रहा है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपको पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप बोझिल वातावरण में हैं, घर में कलह मची हुई है, हल्ला मचा हुआ है, और उसी बीच में आप सोचते हैं कि आज मैं मैथ का पूरा काम कर लूं, तो आपका वातावरण अच्छा नहीं है। इसलिए आपको उस वातावरण को सृजित करना है, आपको उस वातावरण को बनाना है। उस वातावरण में जैसे ही आप बना ले जाएंगे आप सफल हो जाएंगे। तो पहले आप अपनी पढ़ाई का वातावरण बनाइए, और दुनिया भर की बात दिमाग में जो आती है उसको देखिए, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके मन में तमाम सारी बातें आ रही हैं तो आप अपने मन को ही समझाइए। देखिए एज साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कहिए कि मेरे मन से जो बात, मेरे मन में जो बात आ रही है, अब वो बात मेरे मन से चली गई, मेरे मन से चली गई। बोलना नहीं है ये, आपको अपने मन में बोलना है। आप निश्चित मानिए कि 5 मिनट के अंदर आपसे के मन से वो सारी बातें चली जाएंगी, और आपका एक टारगेट हो जाएगा कि आज मुझे हिस्ट्री खत्म करनी है, आज मुझे ज्योग्राफी खत्म करनी है। और आपने ये जो मैंने बताया ना वातावरण क्रिएट करने का तरीका, ये कर लीजिए, उसके बाद आपका वातावरण बनेगा और आपका मन लग जाएगा। ये आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट है ये। जी बिल्कुल सही है, आप अगर सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही अगर इस लेवल पर सोचना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों में ही आपको उस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। देखिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, करना है। इस दुनिया में चीजें पहले से सर्टेन बनी ही नहीं वो होती, वो क्रिएट करनी है, वो करना आपको, पड़ेगा आपको, आपको ही बनाना है। हाँ। आपको ढूंढना है कि वातावरण हमारा कैसे बने। आप जितना बेहतर बना लेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया है, इसमें कहा गया है कि जब रिश्तों की शुरुआत होती है उस वक्त लोग अच्छे लगते हैं, उनसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय गुजर जाने के बाद उनमें अच्छाइयां नज़र नहीं आती हैं। वैसे मैं बोलना चाहूँगा कि जिसने भी क्वेश्चन सेंड किया, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सिचुएशन सभी के साथ अप्लाई होती है। मोस्टली लोग दोस्त बनाते हैं, इसके बाद तकरार होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि चीज़ें आपकी बेहतर बनी रहें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न जिसने भी उठाया है, ये सबके लिए है। आजकल समाज में लोग जो जुड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक स्वार्थ है। देखिए स्वार्थ को आप निगेटिव में मत लीजिए, स्वार्थ को पॉजिटिव में भी लीजिए कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, ये व्यक्ति बहुत हेल्पिंग नेचर का भी है, ये मेरी हेल्प भी करेगा, और जब कभी मेरी तरफ से कोई मदद होगी तो मैं इसकी भी मदद करूंगा। देखिए इसमें कहीं निगेटिविटी स्वार्थ में नहीं है, स्वार्थ तो है लेकिन स्वार्थ में कहीं निगेटिविटी नहीं आ रही है। तो अब आदमी शुरुआत की संबंध बनाता है, शुरुआत करता है, लेकिन होता क्या है कि आप उससे अगर अपेक्षा ज़्यादा कर गए। देखिए अपेक्षाएं कुछ दिन तो पूरी हो जाएंगी कि भाई यार देखो यार वो हमारे घर आ जाना यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारे घर में यार वो छोटा सा काम है यार कर देना। आप 10 बार 20 बार तो कर दोगे, 21वीं बार आप मना कर दोगे। बस आपने जहां मना किया, यानी उस थर्ड पर्सन ने जहां मना किया, आपको बुरा लगना शुरू हो गया। आपने अपेक्षा क्यों की थी? आप बिल्कुल सम लेवल पे क्यों नहीं रहते? आप जितना आप करें उतना ही आप उनसे उम्मीद भी करें, ज्यादा ना तो आप करें ना ज्यादा वो करें। जब ये रिश्ते बने रहेंगे तो आपकी अपेक्षा नहीं होगी, और जब अपेक्षा नहीं होगी तो आपका संबंध कभी भी बिगड़ेगा ही नहीं। Yes. होता क्या है, शुरू में आपने संबंध बना लिया, उसके बाद आपने ज़्यादा उम्मीद कर ली, उम्मीद पूरी नहीं हुई तो पता चला कि श्रीवास्तव जी बहुत बुरे हो गए और जो है निरंजन साहब बहुत अच्छे हो गए। लोग दुनिया के सामने प्रश्न रखने लगे कि बड़े दांत काटी रोटी थी अब बिगड़ गई, क्योंकि आपने अपेक्षा ज्यादा बना ली थी। इसलिए बहुत लिमिटेड रिश्ते भी बनाइए तो बड़े लिमिटेड बनाइए, बिना अपेक्षा के बनाइए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप करके देखिए, अपेक्षाएं कम कर दीजिए।
यस सर, सोशल साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि हम लोगों के साथ जितना डीप जाते हैं उतना ही उनके बारे में जानने लगते हैं। जी हाँ, और इंडिविजुअल डिफरेंस होने की वजह से सिमिलरिटी कभी आती नहीं है। हाँ, बिल्कुल इस वजह से वही चीजें इन्हों चैलेंज जी ने बुरी लगती बिल्कुल डीप की बात उठा दी। पहले तो आप पहचानते नहीं, जितना ज्यादा आप उसके साथ घुसेंगे तब पता चलेगा, अरे ये वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन पैसे के मामले में बहुत कमजोर है, ये पैसा खर्च नहीं करता, खर्च कराता है। या आप कहोगे अरे जब कोई काम पड़ जाता है तो इनको इनको बहाना बना देते हैं, ये कब पता चलेगा? जब आप उनमें डूबोगे, आप जब बहुत ज्यादा समय बीतेगा आप उनके साथ आपका, तो आपको लगेगा, तब वहीं के संबंधों के में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप एक संबंध बनाइए, एक दूसरे की मदद करिए, लेकिन डीप मत जाइए। डीप जाएंगे अपेक्षाएं बढ़ेंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी संबंध में दरार आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो इस तरह से आप कोशिश करिए समझने का, निश्चित ही आपको बेनिफिट होगा। तो एक अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि नमस्कार श्रीमान जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं, मुझे कार्य स्थल पर लोगों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि कोई भी मेरी बात स्वीकार ही नहीं करता है, मुझे नकारात्मकता आती है, मैं इससे कैसे निपटूं? देखिए ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर आप जॉब कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जहां वातावरण बदला, बड़ी छोटी सी बात है कि आप एक छोटे से टाउनशिप में रहते हैं, मैं बुंदेलखंड का हूं और मैं बुंदेलखंड से ही संबंध रखता हूं, बुंदेलखंड के गांव हैं, शहर हैं, और यहां बुंदेलखंड का आदमी अगर बेंगलोर चला जाए और ये सोचे कि हमें वहां जो मैं यहां मेरी माता खाना खिलाती थी, जो मेरे घर वाले मुझे खाना खिलाते थे, वही मुझे बेंगलोर में मिल जाए, तो आपको बेंगलोर में वो खाना नहीं मिलेगा। आपका वातावरण बदल गया क्योंकि आपको जॉब वहीं पर मिली है, आपको जॉब वहीं पर मिली हुई है, आप उस वातावरण में जा रहे हैं। लेकिन उस वातावरण में जाने के बाद अगर उस वातावरण से आप अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, क्या होता है एडजस्टमेंट? किसी भी नए वातावरण में अपने को ढाल लेना, यही एडजस्टमेंट है। आप गांव जाते हैं, आप शहर के रहने वाले हैं, गांव जाते हैं, नहाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप मान के चलिए कि हमको नहाना है, हम ओपन में नहा लेंगे, कुएं पर नहा लेंगे, खेत पे एक पत्थर रखा उसी पर नहा लेंगे। अगर इस भाव से नहाने का सोचेंगे तो आपको नहाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि नहीं मुझे वही पर्दा मिले, मुझे वही टॉयलेट और बाथरूम मिले, तो आपको वातावरण तो नहीं मिलने वाला, थोड़ा आपको उलझन हो जाएगी। तो आप कभी भी जाएं, आप एडजस्ट करने के पहले वहां का वातावरण देखें, उस वातावरण में अपने को ढालें, वहाँ के कल्चर में जुड़ें, वहाँ के पहनावे में जुड़ें, वहाँ के खान पान से जुड़ें, तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और वो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे कि भैया तो मेरी तरह ही हो गया, तो आपका एडजस्टमेंट होने लगेगा और फिर आपको कहीं कोई कमी या बुराई नज़र नहीं आएगी और आपका बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा आपके जीवन का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और साथ में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि लोग सिमिलर नहीं होते हैं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके घर में भी आपके घर में भाई बहन जितने लोग हैं, आपके माता पिता हैं, सबकी एक अलग अलग क्वालिटी होगी। कोई मीठा पसंद करता है, कोई नमकीन पसंद करता है, कोई लाल पहनता है, कोई नीला पहनता है। आपके घर में ही चार पांच तरीके के विशेषताएं होंगी, सबकी अलग अलग क्वालिटीज होंगी, यही इंडिविजुअल डिफरेंस है, यही वैयक्तिक भिन्नता है। तो जब आप घर में देखते हो अंतर होता है, तो आप बाहर जाओगे तो होगा ही, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए, वहां के वातावरण से आपको जोड़ लेना चाहिए अपने को, तभी आप जीवन अच्छी तरह चला ले जाएंगे। और अगर आप सच में लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, एनवायरमेंट चेंज होता है, आपको अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा, आपको खुश रखने के लिए, अपने को हैप्पी लाइफ रखने के लिए। जितना ज्यादा हाईली आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपको जीवन में सफलता मिलेगी, मैं तो ये कहता हूँ। हो सकता है आपको ये सब बातें अच्छी लगें। तो ओके, इस तरह से आज कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों ने सेंड किए, उम्मीद करता हूँ कि आप और आगे भी सेंड करेंगे। आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी हम ओपन नहीं करने वाले हैं, सो आप क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, निश्चित ही हम आपकी मदद करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स ए जोवियल लाइफ, एंड ज्वाइन अस फॉर मोर अपडेट्स, हम आपके साथ इसी तरह से आते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद धन्यवाद।